अरे बे ए चल, तेरी बद्दुआ लगेगी, जा तेरी भी फूटेगी, मेरी भी बद्दुआ लगेगी तेरे को, हट मेरी भी लगेगी तेरे को, हट। भाई तेरे एडिटर का चश्मा चला गया तो क्या होगा? एडिटर का चश्मा चला गया तो भाइयों, एडिटर का चश्मा चला गया तो इस पे इतने व्यूज ले आओ कि मेरे 4000 घंटे पूरे हो जाएं, 1700 घंटे बाकी हैं और मैं इस एडिटर को कुछ पैसे दे पाऊं, है ना। अभी तो बेचारा फ्री में काम कर रहा है, बेचारा क्या ये काम करने के मोमोज लेता है, मोमोज खाता है। मैं इतने सालों से मतलब यहीं पे मतलब मैं यहाँ रहा नहीं हूँ, बट मेरा काम। हेलो गाइस, वेलकम बैक। होप करता हूँ आपको भाई की शादी की वीडियोस पसंद आई होंगी। तो तीसरा दिन है हमारा और आज थोड़ा सा खाली दिन मिला तो हमने कहा इससे बढ़िया टाइम क्या रहेगा अयोध्या घूम के आने का। अभी अभी राम मंदिर बना है तो मैं विनीत और या नितिन और हमारे सर जी, हम सारे के सारे आ गए हैं यहाँ पर अयोध्या। भाई भी तो आए हैं। तो और ये हमारे ऑटो वाले भाई जो हमें यहाँ लेकर के आए हैं और हमें दिखाएंगे पूरा। और यार बेल्ट टूट गई है मेरी, तो बेल्ट लेते हैं पहले कहीं से। और उसके बाद पहले हम आए हैं सरजू घाट, तो यहाँ पर नहाएंगे, उसके बाद आगे राम मंदिर जाएंगे, राम जन्मभूमि जाएंगे, आपको पूरा दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो पहले चलते हैं सरजू घाट, सबसे पहले ढूंढते हैं अपने लिए बेल्ट, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और पहले चलेंगे सरजू घाट, वहाँ नहाएंगे, बेल्ट नहीं मिली तो इज्जत क्या दरकेगी, पैंट पहन। हाँ तो पहले चलते हैं सरजू घाट, पहले बेल्ट, अच्छा बेल्ट ढूंढ लेंगे यार, इज्जत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इज्जत इम्पोर्टेंट है, बट देख सकते हो ठीक है, सड़क तो नहीं रही तेरी, नहीं ठीक है। और वहाँ नहाएंगे, और एक चीज बता दूं आपको, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत सारे स्कैमर्स मिल सकते हैं आपको, दो तरह के स्कैमर्स, दो तरह के स्कैमर्स, अबे ये तो समझेंगे ना, दो तरह के स्कैमर्स मींस एक है आपका इंसान और एक है जानवर, जानवर में बंदर, जो कि आप अगर कुछ भी लेकर के चल रहे हो वो आपके हाथ से छीन करके ले जा सकते हैं, और दूसरे कुछ बाबा होते हैं वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, बहुत बड़े स्कैम, मतलब 200-300 का नहीं, 1000-2000 रुपए का स्कैम कर सकते हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहना। बाकी आप आ रहे हैं तो कोई साथ में ऐसा बंदा ढूंढ लें, मतलब जो आपको लेकर के आ रहा है गाड़ी में वही आपको घुमा दे पूरा, है ना, जैसे हमें भैया मिले यहाँ पर, ये भैया हमें पूरा घुमा रहे हैं। भैया कुछ बताना चाहोगे? कुछ भी बोल दो, क्या बताने चाहिए मतलब, फिर भी कैसे, मतलब अगर किसी को आना है यहाँ तो, आना है तो अच्छे से आए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं थोड़े बहुत ये धोखे वगैरह होते ना, मतलब कि बाबा बाबा लूट लेते हैं। हाँ होता है, मूल ऐसे सब बाबा नहीं करते हैं। हाँ। तो यहाँ के लोकल आदमी को पकड़ना सही होता है, मतलब आप कोई भी किसी भी लोकल को अगर गाइड भी कर रहे हैं तो कोई लोकल गाइड ले जो कि अच्छे से आपको पूरा घुमा दे। बाकी बहुत अच्छा प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, दिखाता हूँ आपको पूरा इस ब्लॉग में। मेनू तेरा लेके तो नया बनेगा भाई, क्या करें थोड़ा मास्क उतार लेता ताकि आवाज थोड़ी साफ आया, माइक लाना भूल गया। तो हम आ चुके हैं सरजू घाट, पीछे देख सकते हो आप मेरे शक्तिमान, देखा था कभी शक्तिमान? देखा है उसका, देखो कैसे बांध रखा होता है, वही कर लो क्या चीज़, चश्मा? हाँ बंद मेरे इसको चश्मा ले जा सकते हैं, तो इसको चश्मा अपना बांधना पड़ेगा। भाई तेरे एडिटर का चश्मा चला गया तो क्या होगा? एडिटर का चश्मा चला गया तो भाइयों, एडिटर का चश्मा चला गया तो इस पे इतने व्यूज ले आओ कि मेरे 4000 घंटे पूरे हो जाएं, 1700 घंटे बाकी हैं और मैं इस एडिटर को कुछ पैसे दे पाऊं, है ना। अभी तो बेचारा फ्री में काम कर रहा है, बेचारा क्या ये काम करने के मोमोज लेता है, मोमोज खाता है, जहाँ जाते वहाँ पे मेरा भी हिस्सा आ जाता थोड़ा सा। बाकी हम सरजू जी पहुंच चुके हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे दिखा दूं, बैक कैमरे से दिखा दो, ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। पानी तो इसी में नहाना है हमें, ठंडा ठंडा पानी, इनका मौसम कैसे नहाया जाएगा, वहां पर लोग नहा रहे हैं जैसे वो नहा रहे वैसे हम भी नहा ही लेंगे, और क्या, किसी तरह से नहाते हैं यहाँ। नहीं भैया पहले नहा धो ले, पहले नहा ले फिर सोचते हैं। मैंने कहा लाइव चल रही है भैया, फोटो की जरूरत ही नहीं, अब तो फोन ही आ गए फोटो वाले, तो पहले नहाते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। सुनो भाई, जैसे कोई नहाने जाएगा ना तो एक बंदा यहाँ खड़ा रहेगा, जो कि बैग, भाई तो है ही भाई, आप भी नहाओगे? आप नहाओगे? भाई नहीं नहाएंगे तो भाई बैग की बैग वगैरह की सेफ्टी के लिए रहेंगे। अरे जुगाड़ डाल के नीचे डालेंगे भाई, जुगाड़ देखो, चल भाई इससे आगे जाएगी, अगर मौका मिला तो इसमें भी चलेंगे।
ये प्रोपेलर लगा रखा है आगे। प्रोपेलर वैसे वाला है, ऐसे 1 किलो पे पानी में डाल दो। तो वीडियो पूरी ऐसे देखना, बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है। क्या बोल रहा था, बोल दे अब। कुछ नहीं भाई, मैंने बोलने की हिम्मत ही नहीं पानी देख के। पानी बहुत ठंडा है, बाकी चलते हैं नहाते हैं इस पानी में। सर जी आप भी नहाओगे? नहाना तो है, नहाने तो सब आए हैं। और ये, ये भाई तो नहा के भी नहीं आए, 5 दिन हो गए नहीं नहाया। हमें तो एक ही दिन हुआ नहीं नहाया, 5 दिन से नहीं नहाया। बाकी इस बंदे का डांस आपने देखा होगा भाई की शादी में। नागिन डांस बहुत अच्छा नाचे, भाई को पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाचे। तो दिखाते हैं आगे। अरे कोई नहीं भैया, भैया हमारी अच्छी एडिटिंग कर ले तो हम भी देते हैं। हाँ भैया हमारी फोटो खींचने के लिए, तो भैया की भी हम फोटो खींचते हैं, भैया की भी खींच लेते हैं। आ जाओ भैया, टेंशन ना लो यार, तुम कुछ लेके जाएंगे कुछ लेके नहीं जाएंगे, टेंशन ना लो भाई। पानी बहुत ठंडा है, हाथ ठंडा है यार। देखो तुम्हारा भाई पानी के अंदर आ चुका है, तो पहले बता दूं नहीं नॉर्मल है, फोन वाटर प्रूफ नहीं है, तो फोन मेरे को वापस करना पड़ेगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब मान लो इसी खुशी में। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वो रिस्क लेके पानी के अंदर घुस तो गया हूँ फोन लेके, बाकी फोन पकड़ा देता हूँ नितिन को। नितिन बाहर खड़ा है भाई, अच्छी सी रिकॉर्डिंग कर लेना। चंदन स्मार पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम, लक्ष्मी सर्वदा मनोकामना सिद्धार्थम, भगवान के आरती में यथाशक्ति माता शिखर को माता पिता सब परिवार के नाम से भगवान की पूजा में यथाशक्ति धर्म धर्म। घर पे आप रोज नहाते हैं, लगाए चंदन या नहीं, लेकिन सरयू तट पे या किसी भी नदी में नहाने के बाद तिलक स्वरूप जरूर करना चाहिए। जय हो भगवान शिखर के, सबको आशीर्वाद दीजिए, बाकी सरयू तट मंगल हो आपका यात्रा। और जिनको लगाना है वे दीजिए, लगा नहीं आप कुछ कह दो ताकि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं वो देखेंगे, वो आपको देखेंगे। किसी भी नदी में स्नान करने के पश्चात चंदन तिलक स्वरूप करना आवश्यक होता है। सूना मस्तक वही व्यक्ति जाता है जो चिंतन में होता है। व्यक्ति जब हृदय से आनंदित होता है, खुशी होती है, तो यात्रा की ओर बढ़ता है। और यात्रा हर व्यक्ति नहीं कर पाता, जो बंधन में लगे रहते हैं वो अपने गृह कार्य में लगे रहते हैं, और जो गृह कार्य से मुक्त होते हैं वो भगवान की ओर जाते हैं, यात्रा की ओर जाते हैं। और जब यात्रा में आए हैं तो यात्रा का धर्म यही है कि भगवान का बंधन, चंदन, अभिवादन और भगवान का दर्शन, ये महत्वपूर्ण चीज है। जय श्री राम, जय श्री राम। चंदन स्मार्ट पुण्यम पवित्रम, आप देख सकते हो चंदन लग चुका है, भाई के कपड़े चेंज हो चुके हैं, इसका मतलब भाई ने नहा लिया है। और अब जा रहे हैं हम पीछे बोट पे, तो वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ नज़ारे बोट के, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया व्लॉग होने वाला है, तो देखते रहना अंत तक, जरूर देखना। और यार अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर करना। अब चलते हैं बोट की तरफ। देख सकते हो भाई एक्साइटमेंट, चलते हैं। इसको भर लो, जल को भाई भरे, बीच में भर लेंगे, बीच में नहीं भरने देंगे, नहीं भरने देंगे, भरने देंगे, भरने देंगे, वो कह रहे भरने देंगे, नहीं भरने देंगे, भरने देंगे, देखते हैं।
चलो भर लेंगे, नाव पे भर लेंगे, नाव पे भर लेंगे, नहीं होगा तो वापस आके भर लेंगे। नहीं नहीं पे भर लीजिएगा। गली बोट है ना, और ये बोट पे चलते हुए की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ भाई लाइव जैकेट जरूर पहने यार, क्योंकि आपको पता ही है पबजी का लेवल 3 वेस्ट सबसे बेस्ट। ये मैं पबजी वाला पहनूंगा, करी लाओ ये वाला पहना, आप पहन लो, मैं पबजी वाला पहनूंगा। और ये लेवल 3 वेस्ट पहनने वालों में पबजी में कितना आसान होता है, एक क्लिक करो पहन लिया। तो ये वेस्ट पहन करके उसके बाद आपसे मिलते हैं, जिन्हें खुद अपने पूरा चंदन लगा लिया यार। नितिन साहब फोटो अच्छी आएगी भाई यहाँ से मोटा जुगाड़ देखो कैसे चलेगा। वहां से भाई धक्का देगा, फिर वहां आगे प्रोपेलर लगे हुए हैं, वो प्रोपेलर अंदर पानी में जाएंगे फिर ये चलेगा। जुगाड़ स्टार्ट हो रहा है, जुगाड़ देखो आप, ये देखो प्रोपेलर स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोपेलर गया पानी में, अभी अपने हिसाब से इसको टर्न देते रहेंगे। मतलब प्रोपेलर एक चप्पू का काम कर रहा है। मैं इतने सालों से मतलब यहीं पे मतलब मैं यहाँ रहा नहीं हूँ, बट मेरा गांव यहीं पर है, बट आज फर्स्ट टाइम मौका मिला कि हम अयोध्या आ पाए। और एक रीज़न ये भी है, मेरे को ब्लॉग करना था, तो थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा है, आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहो और मैं ऐसे ब्लॉग बनाता रहूँ। मुझे भी मज़ा आता है जब आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो और सपोर्ट करते हो। ये हमारा एडिटर ये देखो पानी में थोड़ी दूर आ चुके हैं, और ठंडी ठंडी हवा चलते हुए यहाँ पे सामने अगली बार हुई थी आरती जब मोदी जी आए थे, है ना। ये इस वाले प्लेस पर हुई थी, बहुत है बहुत है। देखो मुंडन हो रहा है इधर सरजू घाट पे, क्या जोर से बजा भाई, बजा भाई जोर से बजा, तेरा लाइव जाएगा। आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर मतलब मांगने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, इतना तो आप कितनों को दोगे, तो ज्यादा चिपके तो आप समझा देना। ये देखो बहू आ गई उसकी, लाइनें याद कर रखी हैं, वही लाइनें बोल रहे हैं, अभी रुक जाओ इनको दिखा। ये देखो 50,000 लोग देख रहे हैं। निकल बेचारा, चल चल चलते रहे जहाँ तक चले,
वैसे चिपक जाते हैं लोग, तो इनसे बच के रहें। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे वो चुपी रहेगी। अरे सब जाए, चलो 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 करेंगे। जय श्री राम, देखते कहाँ पे चल। जय श्री राम। तो ये चिपकी गई है। जय श्री राम, जाओ जाओ। कुछ भी बोल के ये लोग आपको लूटना चाहेंगे। नोट आउट, लुटिएगा मत। इधर आ जा, पीछे आ जा, मेरे बगल में आ जा। चल लावा दली मांग रहे, तुम्हारी हाथ से जा। अगली जोड़ी बनी रहेगा रे। अगर मोतिया है लाइन याद कर रखी क्या तुमने? ये लाइनें याद कर रखी क्या? ये लाइनें याद कर रखी क्या? ये लाइनें याद कर रखी है? इधर देखो, इधर देखो। अरे लाइव तो जा रही है ये तुम्हारे साथ। वो पुलिस वाले आ जाएंगे अभी यहीं पे। लाइव चल रहा है ये। फिर ये देखो। जय श्री राम। इनको लूटना है बस। इधर भैया है। ये देखो, मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग वगैरह करके तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहीं पे आ जाऊँ और ये भैया है शुरू कर दूँ और नितिन जैसे लोगों के पीछे पड़ जाऊँ जो कि कुछ बोल भी ना पाए। यार इतना दान कर दिया उधर, तिलक दान, तिलक कर रहा है उसका दान। वहां पर कुछ लोग खड़े थे, उनको दान कर दिया। ले लो, कोई बात नहीं। और आगे दान कर दिया कि चलो फूल माला लेकर के इनका भी कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भीख मांगने के लिए थोड़ा रहता है। तेरी बद्दुआ लगेगी, जा तेरी भी फूटेगी, मेरी भी बद्दुआ लगेगी तेरे को। मेरी भी लगेगी तेरे को। हट भाई, देख सकते हो आप, अगर ना दो तो बद्दुआ देंगे। तो इनकी बद्दुआ क्या लगेगी? भीख मांगने वालों की कोई बद्दुआ नहीं लगती। मैंने इतनी सारी, जिनके हाथ पांव सलामत है। हाँ, इनके हाथ पांव सलामत है, ये कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको फिर भी भीख मांगनी है। अरे देना अपनी जगह ठीक है, अब तुम्हारे दोनों हम हाथ पांव के बाद हम भीख मांग रहे हैं, नहीं लगेगी। देखो, आपने देखा होगा मैंने कितना दान करा है। मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि मैं कितना करता हूँ लोगों के लिए। लेकिन जो भीख मांगते हैं मैं उनको कभी नहीं देता। तो ऐसे लोगों को कभी ना दे जो भीख मांग रहे हैं, ठीक है? वो लड़की पीछे भी किसके पड़ी थी जो कि अपने साथ एक कच्चा तक नहीं लेके आया था, पैसे क्या खाक लाया होगा। अरे यार, बस हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। भैया है, है भैया है। हम तो सोच रहे हैं यही काम शुरू कर दें, अब रहे भैया है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ मांगने के लिए, तो कृपया इनसे बच के रहें, इनके झांसे में ना आए। कौन सा मंदिर है दोबारा से बताओ? केदारनाथ मंदिर है यहाँ पर, तो शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ चलते हैं, पहले दिखाते हैं आपको। बाकी सरजू नदी के बारे में बताऊं तो वहाँ पर सरजू नदी में राम जी वगैरह ने सबने, अच्छा नहीं, सरजू नदी में क्या हुआ था, राम जी ने पूरा वो ले लिया था ना, क्या बोलते उसको, राम जी ने, मतलब राम जी ने नहीं लिया था, सीता जी ने लिया था। अच्छा, उसी में समा गई थी सीता जी, समा गई थी उसमें। ये राम पैड़ी है। अच्छा, राम यहाँ नहाते थे, राम जी यहाँ पर नहाते थे, देख सकते हो। ये वो जगह है। इधर राम जी नहाया करते थे। यहाँ पर वो अंकल जी अभी कपड़े धो रहे हैं, जहाँ राम जी नहाया करते थे। यहाँ की बिल्डिंग देख सकते हो कितनी पुरानी है, कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। ये मेरे पीछे पूरा शिव मंदिर था, तो अंदर फोटोग्राफी मना थी इसलिए मैंने फोटोग्राफी नहीं करी। बाकी बहुत सारे बंदर हैं, तो उनसे बच के रहना, कुछ भी छीन के ले जा सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? आप कहाँ जा रहे हैं? हम
अब राम मंदिर चल रहे हैं हनुमानगढ़ी। अच्छा राम मंदिर हनुमानगढ़ी चल रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं पूरा कवर करेंगे। कैमरा अलाउ है उधर या फिर नहीं है, मतलब फोन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा सा, वो दिखाएंगे आपको पूरा। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए वीडियो बनाई नहीं, बहुत ज़्यादा पुलिस वाले खड़े हैं पीछे। तो हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं, हनुमानगढ़ी चलते हैं, वो भी एक फेमस मंदिर है यहाँ पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी, वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे फाइनली राम मंदिर, राम जन्मभूमि। अभी यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं इस दुकान से, उसके बाद फिर जाएंगे हनुमान मंदिर। देखो ये येलो कलर की बिल्डिंग दिखेगी आपको, ये सब देख करके आपको पता चल जाएगा ये हनुमान मंदिर, मतलब हनुमानगढ़ी। यहाँ से ये पूरा रोड सीधा जा रहा है हनुमानगढ़ी की ओर, वो सामने को मंदिर दिख रहा होगा, तो इसी पर परिक्रमा करते हुए यहाँ पर साइड में दुकानें हैं, बट एक भी बेल्ट की दुकान नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो विदाउट बेल्ट आगे बढ़ते हुए पैंट को पकड़ते हुए, अच्छा है बेल्ट की दुकान, ओ फाइनली बेल्ट की दुकान मिलते हुए, ये रही जुगाड़ चल जाए, बस जुगाड़ वाली मिल जाए। तो ऐसे ही मस्तियों के साथ हम आगे बढ़ते रहे और मैंने एडिटिंग करते टाइम देखा कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सेकंड पार्ट रखा जाए, बिकॉज इतना लंबा व्लॉग शायद आप पसंद ना करो, इसलिए जो इसका सेकंड पार्ट है वो बाद में आएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। और उस सेकंड पार्ट में भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार वीडियो बनी है, तो देखना ज़रूर, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। और यार अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आया तो। कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, या फिर आप लोग भी आना चाहेंगे यहाँ या नहीं आना चाहेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि यहाँ पर आना चाहते हैं।